देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को इस वीडियो में बताऊंगा एडीओ भर्ती परीक्षा 2022 के बारे में। एडीओ के लिए कब से आवेदन करना जो है स्टार्ट हो जाएगा, इसके लिए जो है भर्ती विज्ञापन जो है जारी हो चुका है, और इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब जारी होगा कि कौन से डेट को किस डेट से किस महीने में जो है आप जो है आवेदन कर पाएंगे एडीओ के लिए। और बात करेंगे एडीओ भर्ती परीक्षा के सिलेबस के और एग्ज़ाम पैटर्न के, शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है एडीओ के बारे में। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि एडीओ का भर्ती आपका जो है कब से आएगा। तो इसके भर्ती के संबंध में जो है महत्वपूर्ण अपडेट हम सभी को जो है नेक्स्ट महीने अगले महीने में जून को जो है देखने को मिलेगा। 15 से 20 जून के बीच में आप लोगों के बीच में जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एडीओ भर्ती परीक्षा के लिए इस डेट से आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें कि कौन से स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो जिनका ग्रेजुएशन कम्प्लीट है वही स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और आपको लोगों को बताना चाहता हूँ इसके सिलेबस के बारे में। तो इसमें कुल 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपका 0.25 आपका जो है निगेटिव मार्किंग होता है। और सिलेबस की बात करें तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण, सामाजिक, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, इन सभी से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका बेनिफिट यह है कि इसमें मैथ्स और रीजनिंग नहीं आता, मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर आपके एग्ज़ाम में नहीं आता एडीओ में, तो आप जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई आसानी से कर पाएंगे। आई होप कि जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आप सभी को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।